हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 2019 में एई और जेई की वैकेंसीज आई थी और उसमें जो रिज़ल्ट जारी हो गया था, लेकिन अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है। तो उसी से रिलेटेड आज की वीडियो है और आज आपको बताएंगे कि जो यूपीपीसीएल है उसने जो ज्वाइनिंग की प्रक्रिया है उसको शुरू कर दिया है और कब ज्वाइनिंग के लिए बुलाया गया है और किस पद के लिए ज्वाइनिंग होनी है ये भी आपको बताया जाएगा। और ये भी आपको बताएंगे कि क्या ये जो ज्वाइनिंग प्रक्रिया है इससे ये समझा जा सकता है कि जेई और TG2 की जो वैकेंसीज़ हैं उसका आने का रास्ता साफ हो गया है और ये कब तक आ सकती हैं, ये सब इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। तो आप लोगों को करना ये है, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है अगर ना किया हो, और घंटी बजा कर ऑल पर सेट कर देना है ताकि इन फ्यूचर कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। आप लोगों को अपनी स्क्रीन पे एक लेटर दिख रहा होगा, ये लेटर है उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से जारी किया गया। इसमें क्या लिखा है, सूचना विद्युत सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या लिखी हुई है /AE दिनांक 19/9/2019 के अंतर्गत सीधी भर्ती के माध्यम से सहायक अभियंता प्रशिक्षु इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन जानपाद के पदों पर चयनित किए गए अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि कॉर्पोरेशन की सूचना संख्या --& दिनांक 26/5/2020 के संदर्भ में अभ्यर्थियों को अपने अनुक्रमांक के अनुसार निम्नवत निर्धारित तिथि एवं समय पर विद्युत प्रशिक्षण संस्थान सरोजनी नगर लखनऊ में उपस्थित होना है। यानी ये जो जितने भी लोगों का सिलेक्शन हुआ है एई के लिए उनकी ज्वाइनिंग के लिए जो डेट है और जो टाइम है वो निर्धारित कर दिया गया है और इसके लिए डिटेल्स नीचे लिखी हुई हैं, आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। रूम नंबर 1, रूम नंबर 2, टाइमिंग और कुल अभ्यर्थियों की संख्या लिखी हुई है। इसी तरह रूम नंबर 3, रूम नंबर 4 और नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं, फिर आपकी डेट चेंज हो जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे रूम नंबर 1, 2, 3, 4, फिर आइए रूम नंबर 1, 2, 3, 4, 10 तारीख तक आपकी जो भी ज्वाइनिंग का है वो आपको बुलाया गया है। जितने भी कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं उनका रोल नंबर लिखा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग ही उनको समय पर जो रूम नंबर दिया है उस पर पहुँचना है। और जो नीचे नोट क्या लिखा हुआ है देख सकते हैं, यदि कोई अभ्यर्थी अपरिहार्य स्थिति में उक्त तिथियों में उपस्थित नहीं होता है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर नहीं किया जाएगा एवं उसे अभिलेख सत्यापन का अन्य अवसर प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो दूसरा मौका है वो भी दिया जाएगा। मान लीजिए कि अगर कोई किसी वजह से ना भी पहुंच पाए तो उसको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उसको दोबारा से मौका दिया जाएगा। बाकी डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर लिखी हुई है, आप लोग उसको पढ़ सकते हैं। तो अब ये सवाल उठता है कि ये तो जो एई के कैंडिडेट्स हैं उनकी ज्वाइनिंग की बात है, तो इसमें जेई और एई की भर्ती का कहाँ से बात आ गई। तो एक्चुअली बात ये है कि आप सभी को पता है कि जब तक प्रीवियस वैकेंसीज क्लियर नहीं होती हैं तब तक अगली कोई भी भर्ती नहीं आती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एई के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा रहा है और जो जेई है वो जेई की भी बहुत ही जल्द आपकी ज्वाइनिंग कराई जाएगी। एक्सपेक्टेडली जुलाई में माना जा रहा है कि जुलाई में जेई की ज्वाइनिंग हो जाएगी। और आप सभी को पता है कि जो जेई एई और जितने भी आपकी टेक्निकल पोस्ट हैं उसके लिए डिटेल्स मंगाई गई है कि कितनी सीटें खाली हैं। उसके अलावा जो मंत्री जी हैं श्रीकांत शर्मा जी, उन्होंने भी कहा है कि जेई के लिए बहुत ही जल्द भर्तियां आएंगी। तो आप सभी को तैयारी में लगे रहना है और जो वैकेंसीज हैं उसकी जो संख्या है वो आपको जल्द ही अपडेट किया जाएगा जब कोई अपडेट मिलेगी। तो आपको क्या करना है, तैयारी करनी है। तैयारी करने के लिए क्या करना है, अगर आप TG2 से हैं तो TG2 के लिए भी पेड क्लासेस चल रही हैं, और जो अगर जेई के आप कैंडिडेट्स हैं जेई की तैयारी कर रहे हैं तो 1 तारीख से जेई के लिए नया बैच स्टार्ट हो रहा है। उसकी सारी डिटेल्स आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगी, आपको व्हाट्सएप करना है, व्हाट्सएप नंबर आपका स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उस पर व्हाट्सएप करके आप डिटेल्स ले लीजिएगा। और 1 तारीख से जो क्लास स्टार्ट होगी उसको ज्वाइन करिए, घर बैठे आपको अच्छी प्रिपरेशन करनी है क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है और अभी किसी भी कोचिंग सेंटर्स को खुलने की इजाज़त नहीं है, तो आप कहीं जा नहीं सकते हैं, बाहर जाना सेफ भी नहीं है। तो आप अपने घर पे रहिए, सेफ रहिए, अच्छी तैयारी करिए और घर बैठे अच्छी नंबर पा करके सिलेक्शन कराने के लिए ही आपकी क्लास चलाई जा रही है, उसको ज्वाइन करिए और ज्वाइन करके अच्छे से अच्छे नंबर हासिल करिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करिए, ना अच्छी लगी हो डिसलाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब करिए और दूसरों को शेयर करिए और उनको बताइए कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, JEE, TG2 सबकी वैकेंसीज आएगी और उसका रास्ता साफ हो रहा है क्योंकि जो पुरानी वैकेंसीज़ हैं उनकी जब तक ज्वाइनिंग नहीं होगी तब तक नई वैकेंसीज़ का आना मुश्किल रहता है। तो पुरानी वैकेंसीज़ को क्लियर करना शुरू कर दिया गया है और होपफुली जो आपकी जेई के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी जो ज्वाइनिंग है वो आपकी जुलाई तक हो जाएगी। तो हो सकता है कि जुलाई के बाद का जो प्रोसेस है वो आपका स्टार्ट हो जाए और जो टेंडर है वो आपको इस साल के अंत में देखने को मिल जाए। तो तब तक के लिए गुड बाय,
टेक केयर और देखते रहिए इलेक्ट्रिकल विजन।